अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह खैरियत होगी आप सब। तो आज बात करते हैं एमडी कैट के, डेट आ चुकी है और एमडी कैट जो एस्पिरेंट्स हैं वो माशाल्लाह लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और दिन रात एक कर रहे होंगे ना एमडी कैट के लिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट दो मंथ से आ गए हैं, 22 सितंबर को आई थिंक एमडी कैट है और पीएमडीसी अनाउंस कर चुकी है सिलेबस में इस बार कोई चेंजिंग नहीं आई। अच्छा, अब कुछ बातें ज़रूरी जो अब करने वाली हैं। एक तो अकेडमीज के अंदर अब सिलेबस आलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला है, ठीक है, तकरीबन 10-20 दिन आलमोस्ट इतने लगेंगे तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बाद में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। वो बच्चे जो अभी तक बता रहे हैं कि यार पता नहीं हमारी तैयारी कैसे अभी हुई नहीं, तो ये दो महीने गनीमत है, इनमें अच्छी तरह आप अपनी एफर्ट लगाएं, ठीक है, टाइम टेबल बना के पढ़ें, जैसे मर्जी पढ़ें, सिर्फ पढ़ें, सोएं, नमाज पढ़ें, मतलब ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, खाना खाएं, और इसके ऊपर ये बेस करता है मेन चीज़, बाकी लक है, ठीक है। अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ने मतलब के आपके खुदा ना खास्ता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा, मतलब के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर अल्लाह ने ना चाहा अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगा, चाहे आप किताब खोल के भी लिखाएं, ये चीज़ अपने पहले माइंड के अंदर आपने बैठा लेनी है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई है, दूसरा जो कुछ बातें हैं कि यार फर्स्ट ऑप्शन आपने एमडी कैट रखा है, ठीक है, एमबीबीएस का कैट, ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन अपना लाजमी साथ रखें, कहीं अप्लाई लाजमी कर दें, ठीक है, खासकर वो जो सेंसिटिव बॉड हैं, जो माशाल्लाह मतलब टॉप करते आए हैं, उनके लिए तो मैं खासकर ये लाजमी कहूँगा कि जो कभी जिन्होंने फेलियर नहीं देखा वो लाजमी अपना कहीं दूसरा भी अप्लाई करें, क्योंकि खुदा ना खासा अगर एमडी कैट ना हुआ तो वो डिप्रेशन फेज एक आ जाता है। अब इसमें कई सूरतें हैं, एक तो वो है कि जो रिपीट फिर करते हैं उनका एक अपना एक अलग सिनेरियो होता है, उसमें ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि किसे एफएससी रिपीट करनी चाहिए, किसे सिर्फ एमडी कैट रिपीट करना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन जो मेन बात है कि आप अपना सेकंड ऑप्शन लाजमी साथ रखें और प्राइवेट एमबीबीएस बिल्कुल नहीं करना, चाहे आप मीडियोकर हैं, चाहे आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं या चाहे आप कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करना, ठीक है। हाँ, वो प्राइवेट एमबीबीएस करें जिनके वालदैन का मसला मतलब कि चलता फिरता हॉस्पिटल है, और जिनके घर में मसला 3-4 लैंड क्रूजर्स खड़ी हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, वो बस जिसे है कि बस डिग्री लेनी है ना, मैंने मतलब कि मैंने पैसे नहीं कमाने, वो भी प्राइवेट एमबीबीएस करे, आगे खिदमत खलक करें, मसला बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है कि जो मिडिल क्लास फैमिली से जो कहता है मैं अपना प्लाट बेच के, ज़मीन बेच के, घर बेच के एमबीबीएस कर लूँगा, कार बेच के कर लूँगा, वो ये चीज़ें ना करें, ठीक है। बिलीव मी, आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं दोगे 4-5 साल बाद जो प्राइवेट एमबीबीएस का इरादा रखते हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि प्राइवेट एमबीबीएस सोच समझ के करें और बिल्कुल ना इसकी तरफ जाएं, और मैंने ये सिचुएशन बता दी कि नहीं प्राइवेट एमबीबीएस करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा अपना सेकंड ऑप्शन लाजमी रखें, फार्म डी, डीपीटी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस जूलॉजी, बीएस एनसीसी, बीएस ओटी एटसेट्रा, अलाइड हेल्थ साइंसेज, ठीक है, जहाँ जहाँ अप्लाई आपने करना वो आप कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि डिग्री वो चूज़ करें जिसमें आपका टेस्ट हो, जो आपके सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगें, ठीक है। एक सादा बीए में डिस्टिंक्शन ले लेना, मतलब एक गोल्ड मेडल ले लेना, वो आई थिंक उसे इंजॉय करके पढ़ना वो बेटर है कि एमई आप रो दो के पीएचडी करो, पास हो के करो, सीजीपी भी उसमें सही ना आए तो मतलब के बस घसीट के आप पीएचडी करो ना, तो ये काम नहीं करना आपने, ठीक हो गया। अपनी यंग एज है ये, इसे इंजॉय करें, मतलब इंजॉय करने का मतलब है कि इसे डिप्रेशन में ना आने दें, ठीक है, खुदा ना खासा गलत इंजॉय की नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसे आपने डिप्रेशन में नहीं आने देना, इसे आपने पढ़ाई की नज़र नहीं करना कि पढ़ने की वजह से आपका डिप्रेशन आए। आप देख लें, अपने सीनियर से पूछ लें, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछें कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज के अंदर बैक बेंचेस हुआ करते थे वो आज माशाल्लाह बाहर वेल सेटल्ड हैं और गाड़ियों में घूमे, और जो इधर माशाल्लाह टॉपर थे और जो एमबीबीएस के अंदर घुस गए, ठीक है, या कोई और इंजीनियरिंग के अंदर घुस गया, वो क्या कर रहा है जी, वो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आगे स्पेशलाइजेशन करने के लिए या मतलब कि अर्निंग के लिए बाहर जाने के तरीके ढूंढ रहा है, 5-10 साल यानी मतलब कि वो अब फिर उसने बाहर जाके भी लगाने हैं, जबकि जो बैक बेंचेस थे वो पहली बार चले गए हुए हैं, वो मसला पैसा छाप रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये जाहिबा जो ये एमबीबीएस कर गया इंजीनियरिंग करके कोई इलम हासिल करने इक्का दुक्का, ये बहुत कम केसेस होंगे, वल्लाह आलम ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो जाते होंगे, लेकिन जनरल यही है ना कि पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं ना, वेल सेटल होने के लिए जा रहे हैं कि हमें अच्छी अर्निंग आए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी अर्निंग नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर इतनी मेहनत, इतना ही सब कुछ करना था कि पैसे के लिए, तो फिर यार एफएससी के बाद ही बाहर चले जाते, इतना अपने आप को डिप्रेशन, कितना मुश्किल होता है एमडी कैट आपको पता है, फिर ठीक है, फिर कितना आगे एमबीबीएस एक्टिक है, फिर उसके बाद हाउस जॉब है एटसेट्रा, ये चीज़ें भी हैं, तो इस चीज़ को रखें। बिलीव मी, इंसान जब नहीं ना कोई चीज़ उसके पास होती है और वो देख रहा होता है यार उसे नहीं मिल रही होती, तो वो ऐसे लगता है कि यार पता नहीं इसमें क्या है, तो खैर शुक्र अदा करना सीखें। अब मैं आपको मतलब बहुत सारे टॉपिक्स एक ही वीडियोस के अंदर ना एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट मतलब समराइज करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो
बस ये यार कि डिप्रेशन में नहीं जाना। हाँ जो एम डी कैट एस्पिरेंट्स हैं, जो दिलो जान से एम डी कैट करना चाहते हैं, माशाल्लाह जरूर करें, अल्लाह से दुआ करें और साथ साथ मेहनत मशाला करें, ठीक है। लेकिन साथ अपना दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन लाजमी रखें, चाहे एक सादा डिग्री में रखें, जिसमें मर्जी रखें, चाहे आप प्राइवेट हैं, बीए का अगर चल रहा है अभी फिलहाल, देख पूछ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अल्लामा इकबाल के जरिए जैसे भी, तो उसमें भी शायद एडमिशन भेज दें, लेकिन भेज दें, क्योंकि खुदा ना खासा किसी का एम डी कैट नहीं होता, उसने एक साल बीए कर लिया, दो साल बीए कर लिया, बीएससी कर ली, ठीक है, बाद में पता चला कि खुदा ना खासा दूसरी दफ़ा भी नहीं हुआ, तो उसके बाद डिग्री आ गई, वो आगे सीएसएस की तरफ जा सकता है, या साथ साथ कोई और डिग्री स्टार्ट कर लें कि जो चार साल दो साल की आसान डिग्री हो, ताकि वो जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करके फिर आप सीएसएस की तरफ जा सकें, ठीक है। क्योंकि सीएसएस को आप एमबीबीएस से कंपेयर नहीं कर सकते, अगर आप पावर के लिहाज से देखें, सीएसएस की पावर मतलब दुनिया में ज़्यादा है एमबीबीएस की बनिस्बत, और आपको अच्छी तरह बताया कि डीसी की क्या वैल्यू होती है और एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या अथॉरिटी होती है, दोनों में बहुत फ़र्क है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी कंसिडर करनी है, ठीक है। और देखें कि आपकी ये मेहनत, आपका ये जो आप अपने 20s के बाद 18 के बाद आपने अपने घर के हालात भी देखने, उस हिसाब से डिग्री चूज़ करनी है, आपने अर्निंग करनी है नहीं करनी है, आपने शौकिया डिग्री लेनी नहीं लेनी, आपने किस हिसाब से डिग्री लेनी है, सिर्फ इज्जत के लिए लेनी, क्या एक व्हाट्सएवर्स हो, तो उस हिसाब से आपने आगे पढ़ना है, अपने आप को फ्लो के अंदर ना जाने दें कि मतलब पानी बह रहा है तो आप भी उस फ्लो के अंदर ही जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं यार, वो इसलिए जब ज़्यादातर लोग जाते हैं फ्लो के साथ कि मतलब दरिया बह रहा उसी के तरफ चलो, अब फिर क्या होता है कि मार्केट के अंदर सैचुएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, जबकि जो उसके मुखालिफ चल रहा होता है किसी ऐसी फील्ड के अंदर जहाँ सैचुएशन कम होती है, उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसका वहाँ ईजी होता है, लेकिन अब खैर आबादी इतनी हो गई है, हुकूमत कोई जॉब्स का वो सीन नहीं कर रही, तो इसलिए बहुत माठिया लाती है ना तकरीबन हर जगह ही जनरली, तो बस अब आपने ना अपने आप को मतलब मायूस नहीं होने देना, जिसकी खुदा खासा नहीं तैयारी हुई, 5-10 एमसीक्यू गलत हो गए, 20-25-30 गलत हो गए, ये मैटर नहीं करता, मैटर आपका करता कि आपने उस दिन एमडी कैट के अंदर क्या परफॉर्म किया, ठीक है। तो अब आपने अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जाने देना, बस आपने पढ़ते जाना, आप पढ़ते जाएँ और सेकेंड ऑप्शन लाजमी साथ रखें, और अल्लाह पे मेन चीज़ है, पहले अल्लाह पे आपने यकीन रखता ना, ठीक है, और फिर उसके साथ मेहनत करनी है। सेकंड ऑप्शन गया, मैं पता क्यों कह रहा हूँ, मैंने देखे हैं डिप्रेशन के अंदर बच्चे जाते हुए ना, लाइक मैंने खुद भी रिपीट किया था, मुझे खुद भी पता कि क्या बीतती है ना अपने ऊपर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये बाद में जिनका खुदा खासा नहीं होगा उन्हें ये समझ आ जाएगा मैं इस वीडियो में ये बार बार क्यों सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा था। तो बाकी तैयारी की हवाले से बात ठीक है यार, ये नहीं देखते कि आपके एमसीक्यू कितने गलत हो रहे हैं, अपने आप को ना आपने इंप्रूव करने की ट्राई करनी, खुदा खासा इंप्रूवमेंट नहीं आई कोई बात नहीं, जो अकेडमीज के टेस्ट होते हैं वो एमडी कैट से टोटली डिफरेंट होते हैं, आपने एमडी कैट में क्या परफॉर्म करना उस दिन वो मैटर करता है, आपका ये टेस्ट बिल्कुल नहीं, आप पूरा अकेडमियों में पोजीशन लेते जाएं, कोई एमसीक्यू गलत ना करें, खुदा ना खासा आप एमडी कैट में जाके 10 एमसीक्यू गलत कर दें, फिर वो पिछला आपका कोई वो मैटर नहीं करता, इसलिए अपनी तैयारी बस फोकस करें, ठीक है, और अल्लाह से मेन चीज़ है, दुआ करें और साथ साथ अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी वीडियोस भी हैं, मतलब मैंने और भी अपलोड की हुई एमडी कैट रिलेटेड और व्लॉग भी आजकल बनाए हुए, तो वो भी काइंडली देख लीजिएगा क्या लगेगा अपना, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, जज़ाकअल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़।